हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले रिव्यू डॉक्टर जी की, जो आज रिलीज़ हुई है। कैसी है मूवी, देखने जैसी है कि नहीं है, ये बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू कर दें। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप ने। अनुभूति कश्यप जो अनुराग कश्यप की सिस्टर है। सुमित सक्सेना के लिखे हुए डायलॉग, कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल है, और कई बातें ऐसी लगती हैं कि ये बातें किरदारों के मुँह से ना बुलवाते तो अच्छा रहता। जहाँ तक स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बहुत सिंपल सी है, आप समझ सकते हो, यानी आपको जो होने वाला पहले मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इसके स्क्रीन प्ले की, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। लाइक जैसे इसके डायलॉग्स है काफ़ी कॉमेडी वे में लिखे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। इन शॉर्ट की अगर जो आप ये मूवी देखने जाते हो तो आपको बोरिंग फील तो नहीं होगा, ये मूवी बोरिंग फील आपको होने नहीं देगी। और बात करें इसके सॉन्ग की, तो अमित त्रिवेदी ने इसके सॉन्ग में काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे इसकी BGM जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से है, यानी कि आप सुनोगे इसके सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फील करवाएगी वो सॉन्ग। और जहाँ तक बात की जाए आयुष्मान खुराना की, तो उनकी एक्टिंग की बात करें तो सब जानते हैं एक्टिंग कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की इसके अंदर भी। और जहाँ तक अपने लीड एक्टर्स की बात की जाए, सब ने अच्छा अपना किरदार निभाया है। इन शॉर्ट वन टाइम वॉच है, आप जाओ देखो, कोई इशू नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छे से देख सकते हो, मूवी काफ़ी अच्छी बनी है। रकुल प्रीत ने भी काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पे, कठपुतली भी उनकी देखी मैंने, काफ़ी अच्छा काम था, इसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इन शॉर्ट कैरेक्टर्स ने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया हुआ है। और जहाँ तक गलतियों की बात की जाए, तो हर इंसान कोई ना कोई गलती करता है। इस मूवी भी कभी कभी ऐसा सीन आपको लगे कि भाई ये चीज़ ये नहीं होनी चाहिए थी इसके अंदर, या फिर ये ऐड कर तो काफ़ी अच्छा रहता। तो इन शॉर्ट आप वन टाइम जाके इस मूवी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है इस मूवी को। मैं देता हूँ 5 में से 3 रेटिंग। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।